हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज राहुल। और बच चुके हैं सुबह के 10:15 और आज दोनों बच्चे उठ गए हैं। गाइस, आज रात में काफी बारिश हुई है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन का नजारा। और ये देखिए, रात में बारिश हो गई है और मौसम भी काफी सुहाना हो गया है। और कल ही मैंने यहाँ गार्डन को एकदम साफ किया था, पत्ते वत्ते भर दिए थे, लेकिन आज पूरी रात बारिश हुई और थोड़ा सा तूफान वगैरह आ गया, तो फिर से गंदा हो गया है। गाइस, अभी बच चुके हैं सुबह के 10:15 और हम जा रहे हैं मम्मी को ड्रॉप करने के लिए बस स्टैंड तक, क्योंकि मम्मी कह रही हैं कि अब कोरोना का ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं और वो मास्क लगाती हैं, तो कह रही हैं आज मैं बस से चली जाऊंगी, तो चलो इतना टाइम बच जाएगा, तो चलिए चलते हैं बस स्टैंड तक मम्मी को ड्रॉप करने के लिए। गाइस, अभी हमने मम्मी को ड्रॉप कर दिया है बस स्टैंड पर और वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो अभी चल रहा हूँ मैं घर। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ घर और ये देखिए साई की मस्ती चल रही है और साई यहाँ पे सोफा की गद्दी के पीछे छुपा हुआ है। तो गाइस, जस्ट अभी अरु के स्कूल से फोन आया है कि उसकी आज पीटीएन है और उसका होमवर्क वगैरह सबमिट होना है, तो अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा अरु के स्कूल तक। और मैं सोच रहा हूँ साई को भी रेडी कर लेता हूँ, क्योंकि साई का नेक्स्ट ईयर हम लोग एडमिशन कराएंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा सा स्कूल का रिव्यू भी हो जाएगा। तो अभी मैं भी नहा धो के हो जाता हूँ तैयार और फिर चलते हैं स्कूल। हो गई आप तैयार? ठीक है, हो जाओ जल्दी, फिर चलते हैं। तो गाइज, आज ईशान की भी पीटीएम है, तो ईशान भी साथ में चल रहा है, तो चलिए चलते हैं स्कूल तक। तो गाइज, अभी हम पहुंचने वाले हैं अरुण के स्कूल। भाई मेरा काम तो हो गया है, बच ही गया अरु। तो यहाँ पे अरु की कॉपीज मिलने का वेट है और ईशान का जितना भी होमवर्क का काम था वो पूरा हो चुका है, तो अभी थोड़ा टाइम और लगेगा, फिर हम चलेंगे घर। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दोनों बच्चे जा रहे हैं अभी पार्क में मस्ती करने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे अरु को चॉकलेट भी मिली है गिफ्ट में। किसने दी आपको ये चॉकलेट? मिस ने। साई, आपको इस स्कूल में पढ़ना है? साई, आपको स्कूल कैसा लगा? तो गाइस, पर्सनली मुझे ये स्कूल बहुत पसंद आया है और यहाँ पे ईशान पगला रहा है, उसको घर जाना है। पर लिटरली बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही अच्छा एटमोसफियर है और जो कोरोना के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं बहुत ही अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं। तो गाइस, फाइनली स्कूल हमें पसंद आ चुका है और अरु और ईशान का काम भी हो चुका है, तो चलिए चलते हैं अपने घर। तो गाइस, यहाँ बच चुके हैं 2:45 और साई थक गया था तो उसको नींद आ गई है। साई आज बहुत ही जल्दी सो गया है, तो इसको सोने देते हैं, तब तक मैं निपटा लेता हूँ कुछ एडिटिंग का काम। इस टाइम हो चुका है खाने का और आ गया है हमारा खाना। और आज खाने में है दाल चावल, गोभी की सब्जी, रोटी, थोड़ा सा दही और मिर्च की चटनी। तो चलिए खाते हैं खाना और करते हैं आपसे बात। तो गाइज, यहाँ बच चुके हैं 2:45 और ये देखिए साई उठ गया है और साइकिल चला रहा है। साई की मम्मा साई के लिए खाना खिला रही हैं, क्योंकि साई बहुत ही मुश्किल में खाना खाता है, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों के लिए। तो चलिए मैं ले चलता हूँ साई के पास। साई की साइकिल चल रही है, साई को साइकिल चलाने में बहुत मज़ा आता है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि साई की इस तरीके से थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो हम लोग साई को साइकिल चलवाते भी हैं। ओ भाई ठोक दी, लगी तो नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ये देखिए, साई ने आज एक ब्रेक तोड़ लिया है, बैंड बज गई, अब जाना पड़ेगा मार्केट और नया ब्रेक लगवाना पड़ेगा, पीछे वाला ब्रेक तो टूट गया है। और यहाँ पे साई कह रहा है कि साइकिल को टीओ के पास ले चलो। टीओ एक्चुअल में टीटीपो का रेल इंजीनियर है, तो यार यहाँ साई की विश तो पूरी नहीं हो सकती है। बच्चे भी
कार्टून की कितनी बात मानते हैं, ऐसे अपन बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, पर उनके हिसाब से टीओ इसको ठीक कर सकता है। तो ठीक है, बच्चे हैं तो चलता है सब कुछ। चैन उतर गई है क्या? तो गाइस यहाँ पे साई की साइकिल की चेन उतर गई है, तो चलिए चढ़ा देते हैं। दूरो तो फाइनली है साई की साइकिल की चेन चढ़ गई है, चलिए चलाना देते हैं आपको साइकिल। तो गाइस यहाँ बज चुके हैं शाम के 5:15 और ये देखिए यहाँ पे साई के लिए अरु गिफ्ट लेके आई हुई है। राखी स्पेशल गिफ्ट है ये जो अरु ने साई के लिए दिया है, ये काफी सारे टी शर्ट्स हैं। हाँ बेटा साई के लिए गिफ्ट लाई हूँ ना, थैंक यू। तो ये सारे टी शर्ट्स साई को चेक करवाते हैं कि फिट बैठ रहे हैं या नहीं। ये तो अच्छी लग रही है। और ये देखिए यहाँ पे साई बहुत ही ज्यादा नाटक दिखा रहा है और कपड़े नहीं पहन रहा है, तो चलिए इसको कपड़े पहनाते हैं, पूरा फाइनल कर लेते हैं कौन कौन से अच्छे हैं। तो गाइस फाइनली हमें ये वाले 4 टी शर्ट्स पसंद आए हैं और एक ये शॉर्ट पसंद आया है, तो चलिए इन सबको रख लेते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा हैं जो पसंद नहीं है उनको वापस करवा लेते हैं। तो गाइस बच चुके हैं 6:15 और मेरी चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है, तो चलिए बनाते हैं अपनी स्पेशल वाली चाय। फाइनली गाइज यहाँ हमारी गर्मा गर्म मोहब्बती चाय बनके हो चुकी है तैयार, और मोहब्बती चाय का आज का टॉपिक है हार्ड वर्क। गाइज हम में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं पर उन्हें अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं मिलता और वो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो गाइज ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपना 100% देते रहिए, क्योंकि आपका हार्ड वर्क ही आपको सक्सेस दिलाने वाला है। सो गाइज आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए और पीते रहिए मोहब्बती चाय। तो गाइज यहाँ बज चुके हैं 8:15 और ये देखिए दोनों बच्चों की चल रही है पेंटिंग। यहाँ पे अरु की भी पेंटिंग चल रही है और ये अरु ने कुछ पहन रखा है। ये क्या है अरु, क्या पहन रखा है आपने? अच्छा अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा और यहाँ पे साईं पेंटिंग कर रहा है और अरु का नेकलेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अरु भी पेंटिंग कर रही है साथ में साईं की। और ये देखिए यहाँ पे साईं कुछ ड्रॉ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और साईं की फेवरेट साबुन भी रखी हुई है तो दोनों बच्चों की मस्ती चल ही रही है, दोनों लगे हुए हैं अपने काम में और बच्चों का ही अच्छा, खेलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, शांति भी रहती है। क्या बना दिया आपने ये? मिस्टर टीन बनाया। और ये देखिए यहाँ साई ने मिस्टर टीन बना दिया है, पता नहीं कौन सा मिस्टर टीन है। और ये बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। अच्छा देखिए साई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है, एकदम मस्त वाला। तो चलिए इन दोनों बच्चों को पेंटिंग करने देते हैं। और गाइस ये देखिए अरु साई के लिए लाई है सरप्राइज पिज्जा और बच चुके हैं 9:30। कहाँ से लाई हो बेटा? तो चलिए खोलते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अरु लाई है पिज्जा साई के लिए सरप्राइज में, तो करते हैं पिज्जा एंजॉय। सो फाइनली गाइज यहाँ हमारी पिज्जा पार्टी हो चुकी है खत्म और बच चुके हैं 9:45। तो यार मैं करता हूँ अब अपने ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको साई का स्कूल कैसा लगा उसके बारे में भी फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्द आऊँगा, तब तक के लिए बाय।